1995 से लेके आज तक जिस चीज का जो वीएम हमें हमारे सीईओ शाहन अजीज साहब ने दिया था, तो हमने ये तहैया किया है जब 2001 में हमने उनकी तालीमों तरबियत और स्पेशली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के ऊपर कि वो आके फैक्ट्री में काम करें, तो उस वक्त बड़ा ही मुश्किल था। मैंने जाती तौर पे आपके या खवातीन के पेरेंट्स से जाके फॉर्मल मीटिंग्स की, उन एरियाज में उन गांवों में उनके पेरेंट्स को हम उठा के लेके आए और उस वक्त एक फैक्ट्री होती थी उसका ट्रेनिंग सेंटर दिखाया, और अल्लाह के फजल करम से आज हम तकरीबन कोई 17-18 साल की मेहनत के बाद इस वक्त हम 20% खवातीन को टेक्सटाइल में लेके आने में कामयाब। तो इंशाल्लाह ये 40-30% का जो गैप है वो अपनी टीम के साथ जो काम करेंगे, इस वक्त हमारा ये गैप जो है 50-50 करने के लिए 8,000 खवातीन हम 2023 तक इंडक्ट करें, तो ये हमारा 50-50 का टारगेट अचीव होता है। आप लोगों की मामले की बड़ी भरपूर जरूरत है। मेरी या हमारे चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर्स की जो इफ्तिखार साहब की जिम्मेदारी होगी, तो यहाँ पे हमारी जरूरत होगी, इंशाल्लाह हम इनको भरपूर सपोर्ट करेंगे। और मैं बड़े एतमाद के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अपनी बाकी मसरूफियात को एक साइड पर रख के फर्स्ट प्रायरिटी आके साइड की होगी। शाहन अजीज साहब की बेटी मिस नेहा ने राबे ट्रस्ट की सीईओ भी हैं, वहाँ पे बड़ा हेल्दी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है वुमेन के लिए, हम उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी असिस्ट कर रहे हैं उसमें। तो इंशाल्लाह आप लोग की कोई भी मामला जो आप लोगों का सोशल सिक्योरिटी में कवर नहीं होता, मतलब कि लाखों का मामला है, मेरी ये कोशिश है, अल्लाह ना करे किसी को ऐसी बीमारी आए जो उसको लाखों रुपए लगे, वो आप भी पे कर सकते, मैं आपके लिए भी पे कर सकता है इंशाल्लाह। शाहिद मीर साहब ये राबिया ट्रस्ट के थ्रू इंशाल्लाह हम आपकी ट्रीटमेंट करवाएंगे, और फिर भी ऐसी बीमारी है जो वहाँ से आनी होती है इंशाल्लाह गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके, मैंने पहले भी इंडिया से लोगों के जीरे की प्लांटेशन करवाई है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी ये फैसिलिटी जो है भरपूर अवेलेबल हो। यहाँ पे जो आपको इन्वायरमेंट एक अच्छा मिलना चाहिए जिसकी आप उम्मीद करती हैं, वो उसी तरीके से प्रोवाइड किया जाए। हम सब मिलकर इंशाल्लाह भरपूर काम करेंगे और वो टारगेट अचीव करेंगे जिसका हमारे सीईओ साहब शाहन अजीज साहब ने जिसका ख्वाब देखा है। मुझे जो उन्होंने टारगेट दिया है साहब ने तो मुझे अपने आप में ना मेरे को बहुत हौसला मिला, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो माहौल दूं जो आपको घरों में मिलता है इंशाल्लाह। टारगेट दिए 50% का, हम इंसान इसी सारी कोशिश करेंगे 40-50। आप लोगों को कोई भी मसला अगर वो हल नहीं होता तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। मसूर टेक्सटाइल को देखा जाए यहाँ पे एज एन ऑपरेटर, एज अ फिनिशिंग, एज एन पैकर पर्सन, हम उनको बहुत अच्छे तरीके से एक साफ सुथरा माहौल दे सकते हैं। हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नासिर इतिहास साहब ने हमें इतना एम्पावर किया हुआ है कि हम हमारे पास आने वाली फीमेल्स को सिक्योर करें, उनका ख्याल रख सकते हैं। उन्होंने हमें इस चीज़ में फुल ऑथोराइज किया हुआ है कि अगर फीमेल के साथ कहीं पर भी कुछ भी गलत हो रहा है तो हम उसको ऑन द स्पॉट जाकर रोक सकते हैं, फीमेल को सिक्योर करें और बेंचमार्क बनाएं मसूर टेक्सटाइल को वुमेन एम्पावरमेंट में। उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम इस पे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कुछ काम कर सकें। वुमेन्स के हवाले से मैं समझता हूँ कि उनको तमाम शबाह ज़िंदगी, ज़रूरी नहीं कि टेक्सटाइल ही है, हर शबाह ज़िंदगी में उनको आगे बढ़ना होगा। हम लोगों का ये फर्ज है कि हम उनको पीसफुल एनवायरनमेंट में सेफ एंड सिक्योर माहौल दें, उनके हवाले से उनको प्रमोट करने के हवाले से, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से जो भी कार्रवाई नुमाया सर अंजाम दे सकते हैं उन्हें करनी चाहिए।